गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू जीके एकेडमी क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ एक्सरसाइज 4.D, एक्सरसाइज 4.D, क्वेश्चन नंबर 3। इन द एग्जामिनेशन 2,53,972 स्टूडेंट अपेयर इन फर्स्ट ईयर, 7,52,836 स्टूडेंट इन सेकेंड ईयर, ठीक है, एंड 335,628 स्टूडेंट इन द थर्ड ईयर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर इन एग्जामिनेशन इन द थ्री ईयर, तीन साल में। फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट अपेयर हुए हैं उनकी उनका काउंटिंग दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड ईयर की जो स्टूडेंट है उनकी काउंटिंग दे रखी है, थर्ड ईयर है उनकी काउंटिंग दे रखी है, और लास्ट में क्वेश्चन में पुटअप क्या गया, क्या किया गया है, थ्री ईयर अपेयर स्टूडेंट्स सम, ठीक है। तीनों साल के स्टूडेंटों का योग या सम या एडिशन आपसे पूछा गया है, तो इसको सॉल्व कर दें। फर्स्ट ईयर अपेयर्ड स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में कितने हैं, 25,3,972, ठीक है। सेकंड ईयर अपेयर्ड स्टूडेंट सेकेंड ईयर में कितने हैं, 7,52,836। थर्ड ईयर अपेयर्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, 35,628, ठीक है। फाइंड क्या करना है, टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सम ऑफ स्टूडेंट इन थ्री ईयर, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2,53,972 प्लस 7,52,836 प्लस 35,628, ओके, इनका सम कर लेते हैं, 2,53,972,752,836,356,28, इनका क्या करना है, एडिशन करना है, 8 or 2, 10, 10 or 6, 16, 1, 7, 3, 10, 10 or 1, 11, 11 or 2, 13, 1, 9 or 1, 10, 10 or 8, 18, 18 or 6, 20, 4, 2 or 3, 5, 5, 5, 10, 10 or 2, 12, 12, 2, 1, 5, 5, 10, 10 or 1, 11, 11 or 3,
टू और वन थ्री, थ्री और सेवन टेन, 10,42,400 इक्वल टू हो गया 10,42,436 हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट ईयर अपेयर्ड स्टूडेंट इतने हैं, सेकंड ईयर अपेयर्ड स्टूडेंट ये हैं, थर्ड ईयर अपेयर्ड स्टूडेंट ये हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो ईयर हैं उनका क्या करना है सम करना है, फाइंड द टोटल सम ऑफ स्टूडेंट इन थ्री ईयर, तीनों साल में जो अपेयर्ड हुए स्टूडेंट उनका क्या करना है सम करना है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर जो मेरे को नंबर मिला या जो फाइनल वैल्यू मिली वो ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 10,42,436 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है।